ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाते हैं। वी हैव सॉल्वड फाइव एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.3 एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए इज गिवन मैट्रिक्स, बी इज गिवन मैट्रिक्स, शो दैट मैट्रिक्स AB is non-singular. Students, हमको मैट्रिक्स AB के बारे में शो करना है कि वो non-singular है। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स AB होना चाहिए। AB means A into B. तो सॉल्यूशन में पहले हम मैट्रिक्स AB फाइंड आउट करेंगे by multiplying मैट्रिक्स A with B. तो given मैट्रिक्स ए 4, 3, 2, -1, 2, 0. दिस इज 2/3 मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स इज 1, 2, -1, 0, 1, -2. दिस इज 3/2 मैट्रिक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी 4, 3, 2, -1, 2, 0 एंड बी इज 1, 2, -1, 0, 1, 2। स्टूडेंट, ये है ए मैट्रिक्स जो 2/3 के ऑर्डर में है और ये है 3/2। फर्स्ट मैट्रिक्स ए है और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स जो बी है उसके नंबर ऑफ रो के साथ सेम है। तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और मल्टीप्लीकेशन जो मिलेगा वो कौन से ऑर्डर में मिलेगा? 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। सो दिस ए बी वी आर नाउ मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 4 into 1, 4, +3 into -1, -3, +2 into 1, 2. First row with second column 4 into 2, 8, +3 into 0, 0, +2 into 2, 4. Now second row with first column -1 into 1, -1, +2 into -1, -2, +0 into 1, 0. And now second row with second column -1 into 2, -2, 2 into 0, +0 into 2, 0. So finally we will get 4 -3, 1, 1 +2, 3. 8, +0, +4, 12. -1, -2, -3, +0, -3. And this is -2. Student, this way we got matrix AB. Now student, उन्होंने question में पूछा है क्या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो शो करके बताइए। तो नॉन सिंगुलर या सिंगुलर का आप डेफिनेशन देखोगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से, कोई भी मैट्रिक्स को सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है वो चेक करना है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना पड़ता है। एंड इफ द डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो, If the determinant value is zero,
वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है. एंड इफ डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉन जीरो दो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है. नाउ लेट मी, क्योंकि उन्होंने शो दैट बोला है तो हैव टू शो. एंड ए बी का डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए बिकॉज दे आर आस्किंग अस टू शो एज अ नॉन सिंगुलर. सो बट ऑब्वियस है ये ए बी का वैल्यू जो आएगा डिटरमिनेंट वैल्यू वो नॉन जीरो ही आएगा. नाउ डिटरमिनेंट ए बी 3, 12, -3, -2. This way we are multiplying 3 × -2, -6, -12 × -3, -36, and this will be -6 + 36. This is +30, which is not equal to 0. Here determinant AB is not equal to 0, hence AB is non-singular matrix. ये शो हो जाता है, ये प्रूव हो गया. जो इसका आंसर डिटरमिनेंट का जीरो आ जाता तो हम बोलते ये सिंगुलर. लेकिन हमको शो दैट ही बोला है, मतलब उनको मालूम है कि ए बी नॉन सिंगुलर है, बट हमको शो करके बताने का है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें दे आस्क अस दैट ए बी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, हमें आइडेंटिफाई करके बताना है. तो वही प्रोसेस यही है, जो आंसर आपका डिटरमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है. जीरो आ जाता है तो सिंगुलर, नॉन जीरो आता है तो नॉन सिंगुलर. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. इफ ए प्लस आई इज इक्वल्स टू अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, फाइंड द प्रोडक्ट ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई, ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई. जैसा दिया है दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट, ये ऐसा ही हमको ढूंढ के बताना है. तो ए प्लस आई का हमको मैट्रिक्स दिया है, देखो ना ए प्लस आई का मैट्रिक्स हमको दिया है, साथ में हमको यहाँ ए माइनस आई का मैट्रिक्स चाहिए ताकि ये दोनों का हम प्रोडक्ट ढूंढ सकें. मगर स्टूडेंट्स I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तो हमको पता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन प्लेस ऑफ दिस I. सो दिस इज द गिवन A प्लस I इज इक्वल टू दिस स्क्वायर मैट्रिक्स 1, 2, 0, 5, 4, 2, 0, 7, -3, and this I will be identity matrix of order 3 because this matrix given of order 3 square matrix. So therefore A plus 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. As you know, identity matrix or unit matrix has diagonal elements equal to unity and all non-diagonal elements are zero. एक fixed standard matrix होता है identity matrix. And right hand side में आपके लिए ये matrix पहले से available है. Students, so this A matrix you can obtain, this matrix you can
ट्रांसफर राइट हैंड साइड, सो इट विल बी, पहले से ये मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में है, टेक डाउन दैट फर्स्ट. माइनस 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट मैट्रिक्स ए. सो 1 माइनस 1 दिस इज 0, 2 माइनस 0 2 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 4 माइनस 1 2 माइनस 0, 0 माइनस 0, 7 माइनस 0, and -3 -1 -4. Okay, so this is A matrix I got. Now coming to the question. अब जबकि आपके पास A plus I is equal to, ये matrix ready है, इसको मैं नंबर वन करके यहां रखता हूं. अब मुझे चाहिए ए माइनस आई. तो ए माइनस आई का मैट्रिक्स मेरे पास नहीं है, तो वो मैं फाइंड कर लूंगा. जैसे ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, ये मैट्रिक्स तो अवेलेबल है ए प्लस आई वाला, उसको और ये दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो स्टूडेंट्स नाउ आई वुड फाइंड A minus I. So, A matrix जो मुझे मिला है 0 2 0 5 3 2 0 7 -4. माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इफ यू डिडक्ट आई एम गोइंग टू गेट मैट्रिक्स ए माइनस आई. 0 -1 -1 -2 -0 5 -1 2 -0 2 0 -0 7 -0 and -4 -1 -5. This I got A minus I. Now A plus I is available. A minus I you have obtained. तो अब ये A plus I और A minus I का दोनों का product मुझे मिल सकता है. Now A plus I into A minus I, which will be, पहले a प्लस आई जो है हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, नंबर वन मैंने लिख के रखा है 1 2 0, फाइव फोर टू, जीरो सेवन माइनस थ्री इंटू ए माइनस आई जो मैंने अभी ऊपर फाइंड आउट किया है. इधर मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2. ओके फ्रेंड्स, एंड नाउ आई विल मल्टीप्लाई इट सो दैट I will obtain this required matrix A plus I into A minus I. First row with first column. Order मुझे check करने की जरूरत नहीं है. Both matrix are of the same order, and that too square matrix.
तो आंसर भी वही ऑर्डर का आएगा. फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 1 × −1 − 1 + 2 × 5 = 10 + 0 × 0 = 0. Now first row with second column, 1 × 2 + 2 × 2 = 4 and 0 × 7 = 0. First row with third column, 1 × 0 = 2 × 2 + 4 and 0 × −5 = 0. ये हो गया फर्स्ट रो विथ ऑल कॉलम्स. नाउ सेकेंड रो विथ ऑल कॉलम्स. फर्स्ट रो के साथ सब कॉलम हो गया, अब सेकेंड रो के साथ, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, 5 × −1 − 5 = 4 × 5 = 20 × 0 = 0. सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, 5 × 2 = 10 + 4 × 2 = 8 + 2 × 7 = 14. सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम, 5 × 0 + 4 × 2 = 8 + 2 × −5 − 10. एंड नाउ थर्ड रो विथ फर्स्ट कॉलम, 0 × −0 = 7 × 5 = 35 + −3 × 0 = 0. Third row with second column, 0 × 2 = 0 7 × 2 = 14 − 3 × 7 − 21. And third row with third column, 0 × 0 = 0 + 7 × 2 = 14 + 3 − 3 × −5 + 15. Okay. Finally, this is −1 + 10 = +9 2 + 4 = 6. This is 4. Next, −5 + 20 + 15 10 + 8 + 14. This is 18 + 14 = 32. 0 + 8 − 10. 8 − 10 − 2. Then 35. Then 14 + −21. That is −7. And 14 + 15. This is +29. So this is my required matrix. That is A + I × A − I. It is so this way, required A + I × A − I we got. मगर यहां से मैंने A का मैट्रिक्स पहले ढूंढा, वो A मिला, तब ये A − I मिला, और फिर ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया. बिकॉज A + I वाला मैट्रिक्स तो रेडी है ही मेरे पास, मेरे को जरूरत है A − I की. तो A − I ढूंढना है मैट्रिक्स, A − I ढूंढने के लिए मेरे पास A मैट्रिक्स होना चाहिए. तो पहले मैंने A मैट्रिक्स ढूंढा स्टूडेंट्स. जैसे ही A मैट्रिक्स यहाँ मिल गया मुझे, वो A − I मैट्रिक्स मैंने तुरंत ढूंढ लिया ये. एंड देन A − I अवेलेबल हो गया. तो A + I × A − I, पहले A + I है, बाद में प्रोडक्ट में A + A − I है. सो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, दैट वे आई हैव मल्टीप्लाइड. स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन
मैं एक अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व करना चाहता हूं और इसमें और भी कुछ आपको बातें समझने मिलेगी. लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन बाय अनदर मेथड. हियर सेकेंड मेथड. Students, as given a plus I is equals to 1 2 0 5 4 2 0 7 minus 3. First method में आगे हमने matrix A जो find किया वो हमको करके रखना है. मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पे. और ए मैट्रिक्स हम ढूंढ लेंगे. इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके जैसे हमने आगे भी किया है फर्स्ट मेथड में. क्योंकि ए मैट्रिक्स ढूंढने के लिए जो प्रोसीजर करना पड़ेगा वो तो कॉमन है. So this is my A matrix. अब मैं जो आपको जो दूसरी मेथड के बारे में बात करने जा रहा हूं उसमें हमें जो फाइंड आउट करना है वो हम कंसीडर करते हैं. A plus I, A minus I. That is, अब दोनों ब्रैकेट को हम एक्सपांड करते हैं. एंड रिमेंबर दिस आर द मैट्रिसेस विच आर मल्टीप्लाइड, सो ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट. सो यहां हम जब ये ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे ऑर्डर इज टू बी कीप इन माइंड. A into A, A square. A into I, A I. I into A, I A. I into I, I square. Now students, remember this carefully. Any matrix but obviously it will be a square matrix multiplied with identity matrix we get the same matrix. इसका मतलब क्या बनता है स्टूडेंट्स?
That is, if I have A into I, that is A into I, that is A matrix multiplied by identity matrix will be always A matrix. Also, I matrix multiplied by A matrix is also equal to A matrix. ये हम चेक करके भी देख सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉसिबल एंड देयरफॉर दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी सो ए मैट्रिक्स जब I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स A के बाद है What is the position of I matrix? What is the position of I matrix? This is post. Post मतलब बाद में. तो I identity matrix is post multiplied. Post मतलब बाद में. A के बाद. और यहां second situation में I into A है तो I जो है वो A के पहले है तो I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो यहां प्री मल्टीप्लाइड है प्री मतलब पहले अच्छा जिस जो भी केस हो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का केस हो या प्री मल्टीप्लीकेशन का केस हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम मैट्रिक्स मिलेगा So that is what A square remain as it is. A into I will become A and I into A will become also A. Let me come to the next, that is I square. Identity matrix n power ले लो मतलब कि identity matrix का square करेंगे मतलब identity matrix into identity matrix is nothing but identity matrix. So it is not about only the square. If you do the cube, again one more I will be multiplied. But your final answer will be as the same identity matrix. And so on, if you have I raised to n, that is identity matrix having power n, will give you identity matrix. ये प्रिंसिपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रिलेटेड जो मैं अभी डिस्कस किया हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड सो एज दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस इस प्रकार के क्वेश्चन में इस तरह से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन में आगे बढ़ सकते हो सो समहाउ वी कैन रिड्यूस अवर actual expansion and actual findings this can be easily obtained so identity matrix ka square bhi I identity matrix here a minus a cancel that is a square minus I kitna bach gaya So what we have done, इसका expansion करके हमने उसको reduce कर दिया कहां तक लेके आया उसको हमने reduce करके देख लो आप So to get this
you can now find this. And very important, this note, note number first. And here the second note, note number second, is much important. You can verify this particular note में मैंने जो conclusion लाया है, you can do it. A into I करके देख लो, आपको A ही matrix मिलेगा. और I into A करके देख लो, कोई एक matrix लेके तो देखो, square matrix A और उसको identity matrix. Identity matrix तो fix होता है. If you want to verify it with the example of order 2 square matrix, you can do fast because the order 2 के matrix का कैलकुलेशन आप पढ़ा, ऑर्डर थ्री का करो, आप चेक कर लो, सो दैट यू कैन ऑल्सो कंफर्म इन योर माइंड दैट हाँ, दिस पर्टिकुलर नोट इज वेरीफाइड एंड देयरफॉर वी कैन यूज हियर इन द कैलकुलेशन. सो नाउ रादर देन फाइंडिंग दिस, आई वुड लाइक टू फाइंड दिस. देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस आई, हाउ टू फाइंड दिस? A into A minus I, so that A matrix multiply by A matrix. What is the A matrix? A matrix student, इसलिए तो हमने यहाँ find कर लिया है. Number one में 0 2 0, five three two. 0 7 minus 4. Same. Minus I identity 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके पहले ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 0 plus 10 plus 0. फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम 0 into 2 0 plus 2 into 3 6 plus 0 into 7 0. First row with third column 0 plus 4 plus 0. Now second row with first column, find 0 0, it's 3 into 5, that is 15, plus 2 into 0 0. Second row with second column 10 plus 9, fourteen. Second row with third column, find 2 0 0, plus 3 into 2 6, plus 2 into minus 4. That is -8. Then third row with first column 0 plus 35 plus 0. Third row with second column 0 plus 21 minus 28. And third row with third column 0 plus 14 plus minus 4 into minus 4 plus 16. Minus this identity as it is.
So as a result, this is 10, 6, 4, 15, 10 plus 9, 19, 19 plus 14, 33. This is 6 minus 8 minus 2, 35. This is 21 plus minus 20. That is 21 minus 28. Minus 6. And this is 14 plus 16. 30. Minus identity 100010001. And as a result, I will get 10 minus 1, this is 9, 6 minus 0, 6, 4 minus 0, 4, 15 minus 0, 15, 33 minus 0, 33 minus 1, this is 32, minus 2, minus 0, minus 2, 35, minus 0, 35, minus 6, minus 0, 21 minus 28, that is minus 7, this is 14 plus 16, that is 30, and minus, this is identity matrix as it is, students, and finally, इसका सब्ट्रैक्शन जो आएगा वो आपका फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा 10 माइनस 1 दिस इज 9 6 4 15 माइनस 15 33 माइनस 1 दिस इज 32 माइनस 2 माइनस दिस इज माइनस 2 ओनली 35 माइनस 7 एंड 29 एंड दिस इज माय फाइनल आंसर. That is matrix A square minus I, and A square minus I is nothing but A plus I into A minus I. Students, you can notice we are getting the same answer, same matrix, but the way we have done, and importantly, we have studied this particular property regarding identity matrix. So students, keep in mind, ये जो property है identity matrix के बारे में, हमने identity matrix के बारे में समझा है क्या है, कैसा होता है, उसका characteristic क्या है, लेकिन further जब वो matrix दूसरे matrix के साथ जब कैलकुलेशन में आता है, एरिथमेटिक ऑपरेशंस जिसको हम बोलते हैं, उसका उसके दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होना, एडिशन होना, सब्ट्रैक्शन, तो तब जाके उसकी कुछ बातें नहीं बातें सामने आती है. तो ये पॉइंट, ये जो मुद्दा है, एज अ नोट, प्लीज यू प्रॉपरली टेक डाउन, इम्पॉर्टेंट है, और ये आगे भी कहाँ काम में आ सकता है या भूलना मत. और प्लीज आई वुड लाइक टू हैव वन वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक आध आप खुद एग्जांपल ट्राई करना, ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देखना, ए आई
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देखना, दैट इज आई ए, इन बोथ दिस केसेस यू विल गेट ए मैट्रिक्स ओनली. एंड द सेकेंड वन मोर वेरिफिकेशन यू प्लीज डू, आई स्क्वायर करके एक आप कैलकुलेशन खुद देख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, उसका स्क्वायर करो, मतलब आई इंटू आई करके देखो, यू विल अगेन गेट आई ओनली. बस एक बार आपको तसल्ली हो जाना है और ये प्रॉपर्टी आपको याद रहना है, ताकि आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल इस तरह के कुछ सिचुएशन में आप कर सकते हो. तो क्या होता है, इजीली वी कैन मूव फास्ट. प्रीवियस मेथड इज ऑल्सो यू कैन कंसिडर. नाउ मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8, आपको मैट्रिक्स ए दिया है. शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4 ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स. शो दैट बोलते हैं तो पहले अपने को ये मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा ना, कौन सा मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस 4 ए. चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट गिवन, दैट इज मैट्रिक्स ए इज प्रोवाइडेड ऑफ ऑर्डर 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है. 1 2 2 2 1 2 2 2 1. ओके, सिंस वी हैव टू शो मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस 4 ए एज स्केलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 4 ए ये हम पहले फाइंड आउट करेंगे. नाउ व्हाट इज द ए स्क्वायर, ए इंटू ए माइनस 4 ए. तो स्टूडेंट ए इंटू वन मोर ए माइनस 4 इंटू ए, ये है स्केलर मल्टीप्लीकेशन. स्टूडेंट्स 4 इंटू what are the matrix we are multiplying, that is a pattern of scalar multiplication. So a matrix aapka jo hai 1 2 2 2 1 2 2 2 1, again the same. And the same 4 into A matrix 1 2 2 2 1 2 2 2 1. चलिए स्टूडेंट्स पहले हम इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों मैट्रिक्स का. फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1, प्लस 2 into 2 4, प्लस 2 into 2 4, दैट इज 9. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम. चलिए आगे बढ़िए, 1 into 2 2, प्लस 2 into 1 2, मतलब 4, प्लस 2 into 2 4, 4 plus 4 8. फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम 1 into 2 2, 2 into 2 4, 4 plus 2 6, एंड 2 into 1 2 8. नहीं होता है तो प्लीज आप एक स्टेप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसलिए भी जा रहा हूँ थोड़ा तुम्हारा हिम्मत बढ़ना चाहिए. नाउ सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2, 1 into 2 2, 2 plus 2 4, plus 2 into 2 4, 4 plus 4 8. Second row with second column 2 into 2 4 4, plus 1 into 1 1, but the 5, 2 into 2 4, 5 plus 4 9. Second row with third column 2 into 2 4, plus 1 into 2 2, 4 plus 2 6, and 2 into 1, that is 2, 6 plus 2, 8. Now, third row with first column, 2 plus 4 plus 2, 8. Then, third row with second column, 2 into 2, plus 4 plus 2 into 1, 2, 6, plus 1 into 2, 2, 8. टोटल करते जा रहे हैं मैं मन में, मतलब आपको भी इसमें कोई माइनस वगैरह साइन नहीं, इसलिए मैं डायरेक्टली इसलिए जा रहा हूँ, या तो कभी माइनस का साइन रहता है तो मैं
भी आपको इंसिस्ट करूंगा यू गो इट प्रॉपरली ओनली, डोंट गो डायरेक्टली. नेक्स्ट थर्ड रो विथ थर्ड कॉलम, 2 × 2 = 4 + 2 × 2 = 4, 8 + 1 × 1 = 1, दैट इज टोटल 9. दिस इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन. 4 × 1 = 4, 8 + 8 = 8, 4 + 8 = 8, 8 = 4. एंड फाइनली सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 4 − 9 − 4 = 5, 8 − 8 = 0, 8 − 8 = 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5. And this particular matrix, what we obtained, that is a² - 4a, ये जो मिला है, this is nothing but, which is scalar matrix. Student, क्या है scalar matrix का characteristic? Diagonal element should be the same. Diagonal element should be same and non-diagonal element should be zero. देखो ना डायगनल के ऊपर और डायगनल के नीचे, ये है नॉन डायगनल एलिमेंट्स, दे आर जीरो. एंड डायगनल एलिमेंट्स सेम, डेफिनेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स. तो स्टूडेंट्स, तुम लोग ने शो करने के लिए बोला है तो आपको आना ही है स्केलर मैट्रिक्स आंसर में. नहीं आया तो किधर आपका मिस्टेक होगा, ये ध्यान रखने का, कैलकुलेशन में किधर आपका गड़बड़ हो सकता है. केयरफुल स्टूडेंट्स, विद दिस we have done this question number 8. Moving to the next question number 9. If A is a given square matrix 2 by 2 order, find K so that a² - 8a - ki is equal to O, that is zero matrix, where O is a null matrix of order 2. Okay. So we can start with solution. Given matrix A, 1, 0, -1, 7. Also given a² - 8a - ki. KI का मतलब हो रहा है K जो है वो एक कांस्टेंट है, स्केलर है, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है. स्टूडेंट यहाँ मेरा आप जो आगे के क्वेश्चन में मैंने नोट में बोला था कि a × i = a, याद करो. तो प्लीज मेहरबानी करके आप इधर ऐसा मत समझना कि सर k × i should be also k. This, if you are considering, then wrong. क्यों? क्योंकि यहां k जो है वो कॉन्स्टेंट है, एक एलिमेंट है, स्केलर, एक वैल्यू है, नंबर है. और यहां जो ये a है वो मैट्रिक्स है. स्टूडेंट प्रॉपरली समझ लेना, ये a × i का जो प्रिंसिपल लागू हुआ = a, वहां ये a जो था वो मैट्रिक्स है, और यहाँ ये k × i में जो ये k है, ये k कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये कांस्टेंट है. एंड देयरफॉर दिस k × i, इफ आई राइट k, देन इट बी रॉन्ग. ध्यान रखो. सो दिस आर द सम मिसकंसेप्शंस समटाइम्स स्टूडेंट कंसिडर्स. यहाँ पे एग्जाम्पल में हमको ये देखने मिल रहा है, ताकि मैंने आपसे डिस्कशन कर भी लिया और आगे बढ़ते हैं अभी हम. तो आप ये a² को लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू ओ, दैट इज जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. आगे थोड़ा हम इसको भी लिख रहे हैं, a² को हम a × a - 8a - ki o. अब हम सब मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं. ए मैट्रिक्स जो है 1, 0, -1, 7.
Again the same 1, 0, minus 1, 7. Minus 8 into A matrix 1, 0, minus 1, 7. K into I identity matrix 1, 0, 0, 1. Is equals to 0 matrix 0 0 0 0 बोला है ना, 0 matrix should be of order 2 and यहाँ I के लिए भी बोला है 2 by 2 matrix और नहीं भी बोला है तो by default we can understand कि भाई A matrix जो हमें दिया है that is of 2 by 2 order तो ये जो 0 matrix है और ये जो identity matrix है they are also to be considered of the same order. चलिए स्टूडेंट्स आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हैं. देयरफॉर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये फटाफट हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर 2 का है मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है. फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 1 into 1 0 into minus 1. फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम हो गया. फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम 1 into 0 0 plus 0 into 7 0. Then second row with first column minus 1 into 1 minus 1 plus 7 into minus 1 minus 7. Second row with second column minus 1 into 0 0 plus 7 into 7 49. This 8 into matrix जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तौर पे 8 मल्टीप्लाई कर डालो तो क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट को 8 0 माइनस 8 56. के इनटू दिस मैट्रिक्स अगेन यू टू मल्टीप्लाई दिस के विद दिस मैट्रिक्स, ईच एलिमेंट यू मल्टीप्लाई बाय के, के इनटू 1 के 0 0 के. स्टूडेंट्स is equals to your 0 matrix 0 0 0 0 and now this matrix will become 1 0 minus 1 minus 7 minus 8 0 plus 49 8 0 minus 8 56. अब देखो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में ये तीनों तीन मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के रिलेशन में, माइनस के रिलेशन में है. सो यू कैन डू इट इन वन शॉट. ये आप पहले आप ये दो को करो, फिर वो दो का जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स का साथ नेक्स्ट मैट्रिक्स को आप करो. ऐसा भी कर सकते हैं आप स्टेप बाय स्टेप, बट इफ यू वांट यू कैन गो विथ ऑल थ्री टुगेदर. सो बी केयरफुल, बट इफ यू आर गोइंग ऑल टुगेदर 1 माइनस 8 दैट इज माइनस 7, माइनस 7 माइनस के, माइनस 7 माइनस के, दिस विल रिमेन एज इट इज एंड देयरफॉर आई एम मेकिंग अ ब्रैकेट. ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया. सेकंड एलिमेंट 0 माइनस 0 माइनस 0 0. नेक्स्ट माइनस 8 माइनस माइनस 8, सो माइनस 8 प्लस 8 0 हो गया, कैंसिल हो गया. आगे माइनस 0 सो इट विल बी डेफिनेटली ओनली अ 0. देन 49 माइनस 56 दैट इज माइनस 7 माइनस 7 माइनस के, माइनस 7 माइनस के. तो 49 माइनस 56 माइनस 7 माइनस के, माइनस 7 माइनस के. एंड राइट हैंड साइड एज सेम 0 मैट्रिक्स. अब स्टूडेंट देखो क्या आपके सामने एलजीब्रा ऑफ मैट्रिसेस का कोई पॉइंट आपके दिमाग में आता है, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का जो पॉइंट है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है. सो यूजिंग इक्वालिटी ऑफ
to matrix by comparing we get minus 7 minus k is equal to 0. हम यहां कोई भी एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे जिसके अंदर k दैट इज आवर अननोन एलिमेंट इज देयर. ये आप ये वाला एलिमेंट कंपेयर करके ले लो या यहाँ का नीचे का ये वाला सेकेंड रो वाला ये एलिमेंट कंपेयर करके ले लो. यू आर गोइंग टू गेट सेम वैल्यू ऑफ k. देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 7. K is equal to minus. That's it. So finally, आपने ये condition के basis पे, क्या condition basis पे मैं बोल रहा हूँ, ये जो आपको दिया था कि भाई ये a square minus 8a minus k is equal to zero matrix, इसके आधार पे आपने k का value find out कर लिया. और यहाँ जो note करने वाला point था, ये था कि कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वही सेम मैट्रिक्स आता है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा. बट हियर के इनटू आई इन विच के इज नॉट अ मैट्रिक्स, के इज अ कांस्टेंट नंबर एनी एलिमेंट. तो इन दिस केस ये के नहीं बनेगा ऐसा, वो प्रॉपर्टी के आधार पे जो हमने कंक्लूजन लिखा है वैसा ये नहीं बन जाएगा बिकॉज दिस के इज एन एलिमेंट. फाइन, तो ये दोनों का आप डिफरेंस समझना एंड विद दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड. मूविंग टू द next problem. If A is given square matrix, prove that A square minus 5A plus 7I is equal to O, that is zero matrix. This is zero matrix. ये zero matrix है, हमको ऐसा prove करना है. और identity matrix का use हुआ है जो order 2 by 2 का, वो भी उन्होंने बोला है. Otherwise we have to take identity matrix of order 2 only because A का भी order 2 by 2 का है, that you know. So given A matrix 3 1 minus 1 2 and we have to prove A square minus 5A plus 7I is equal to zero matrix taking LHS, that is A square minus 5A plus 7I. So A square A into A, 5 into A, 7 into I. सब्स्टिट्यूट कर दो. ए मैट्रिक्स 3 1 माइनस 1 2, अगेन ए 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5 इंटू ए, दिस इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 3 1 माइनस 1 2 एंड प्लस 7 इंटू आई, दिस इज ऑल्सो स्केलर मल्टीप्लीकेशन. चलिए ए इंटू ए का सेम ऑर्डर मिलने वाला है बिकॉज बोथ आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 9 प्लस माइनस 1, फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम 3 प्लस 2, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम माइनस 3 प्लस माइनस 2, सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम माइनस 1 प्लस 4 माइनस, स्केलर मल्टीप्लीकेशन से आप कैलकुलेशन देख लो, 15 5
minus 5, 10. और ये 7007. So this becomes 9 minus 1, this is 8, 5, minus 3 minus 2 minus 5, minus 1 plus 4 plus 3, minus 15, 5, minus 5, 10, plus 7007. अब तीनों का आप एक साथ कर सकते हैं, यहाँ पे पहले दो का करें तो क्या हो जाएगा, 8 minus 15 minus 7, 5 minus 5 0, minus 5 minus minus 5 मतलब minus 5 plus 5 0, 3 minus 10 minus 7 and next 7007. Finally, this will be 0000, which is 0 matrix. तो ये प्रूव हो गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा जीरो मैट्रिक्स है, हेंस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स. स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11. गिवन मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर 2x2 एंड इफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ओके, तो ये कंडीशन देके रखा है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. ये आपने आगे भी प्रॉपर्टीज के पार्ट में इसका एक्सपांशन का मुद्दा देखा है, हमने डिस्कस किया है. ये पूरा वापस से हमें देखना पड़ेगा क्योंकि सेम पार्ट दे हैव गिवन, ए गिवन मैट्रिक्स also given matrix A plus B whole square is equals to A square plus B square. Student, जो थियरी में हमने ये पॉइंट देखा है उसको मैं रिपीट करता हूँ. हमने मैट्रिक्स एलजिब्रा में A plus B whole square को एक्सपांड कैसे किया है, अंडर मैट्रिक्स एलजिब्रा दिस शुड बी एक्सपांडेड एज A square plus AB plus BA and then B square. जो नॉर्मल हमारा एक्सपेंशन होता है that is A plus B whole square which is by using elements A and B and here we are A plus B whole square we are doing with the help of A and B their matrices. So this is ordinarily we are doing A square plus 2AB plus B square. That is the usual way we expand. And this is the way we have to expand under matrix algebra. So this way we are going to consider this A plus B whole square is equals to A square plus B square, which is a given, and where left hand side A plus B whole square we are going to expand A square plus AB plus BA plus b square is equals to a square plus b square. Now remember a square from both the sides
b square from both the sides cancel. So what is the remaining part? AB plus BA is equals to zero matrix. और यू में से ए बी इज इक्वल्स टू बी ए को उस तरफ ले जाते हो या किसी भी एक को आप उस तरफ लेके जाते हो, दैट वे ऑल्सो यू कैन कीप. सो दिस इज वॉट माई कंक्लूशन. नाउ आई हैव टू कंसिडर, बिकॉज अर्लियर जो हमको दिया था उसको मैंने सिंप्लीफाई ये फॉर्मूला के द्वारा करके रिड्यूस कर दिया है. So now I have to concentrate on this reduced part, not on that original given. So now, using this part, A into B plus B into A, which has to be zero matrix. Okay, then this way we will solve, and by equality of two matrices last में वापस से वैसा आएगा और उससे हम ये ए बी का वैल्यू ढूंढ पाएंगे. सो नाउ सब्स्टिट्यूट मैट्रिक्स ए एंड बी, 1 2 माइनस वन माइनस टू, बी टू ए माइनस वन बी, एंड नाउ इट इज बी ए, सो टू ए माइनस वन बी. And this is A, 1, 2, minus 1, minus 2. So this is the multiplication. First row with first column. 2 plus minus 2. First row with second column. 1 into A plus 2B. Then second row with first column, minus 2 plus minus 2 into minus 1 plus 2. Second row with second column, minus A plus minus 2 into B minus 2B. Then I have to consider next multiplication, BA. First row with first column, 2 plus minus A, first row with second column, 4 plus minus 2A, then second row with first column, minus 1 plus minus B, and second row with second column, minus 2 plus minus 2B. Okay, now थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में ये दोनों मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है. तो दिस इज 2 माइनस 2 जीरो, दिस इज ए प्लस 2 बी, दिस इज माइनस 2 प्लस 2 जीरो, माइनस ए माइनस 2 बी. प्लस 2 माइनस ए, 4 minus 2a, 1 minus, minus 1 minus b, and minus 2 minus 2b. Equals to this zero matrix. अब स्टूडेंट ये दोनों मैट्रिक्स को आपको एड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यू टू एड, 0 प्लस 2 माइनस ए, दिस इज 2 माइनस ए ओनली, ए प्लस 2 बी,
ध्यान से करिए, ए प्लस टू बी प्लस फोर माइनस टू ए, सो वी आर डूइंग प्लस ए वाला टर्म है देखो दोनों में, तो एन ऐड कर लीजिए, तो ए प्लस माइनस टू ए, दैट इज ए माइनस टू ए माइनस ए, एंड देन यू सी अनदर वेरिएबल दैट इज बी, टू बी, वहां पे कोई बी वाला टर्म है क्या? ओके नहीं है, तो फिर ओनली टू बी विल रिमेन एज इट इज, और कॉन्स्टेंट कोई टर्म है तो कि ये खाली फोर है प्लस फोर, प्रॉपरली करने का, ए वेरिएबल है बी वेरिएबल है जो है अननोन उसको देखो, लाइक टर्म आप कैलकुलेट कर लो और जो भी है कॉन्स्टेंट वो आप कैलकुलेट कर लो, जो भी रिमेनिंग आंसर बचता है, देन दिस जीरो प्लस माइनस वन माइनस बी इट विल रिमेन माइनस वन माइनस बी सेम, एंड देन दिस प्लस दिस, सो माइनस ए, ए वाला टर्म नहीं है इधर, it will remain minus a as it is, minus 2b plus minus 2b, that is minus 2b minus 2b minus 4b, and any constant only minus 2 will be as it is equals to zero matrix. अब आप देखो ये left hand side का odd matrix का भी order 2 by 2 है, right hand side का भी order 2 by 2 है, by equality of two matrices comparing we get, देख लो जिधर, अब आप ध्यान से ऐसे एलिमेंट को कंपेयर करो जिसमें फटाफट आंसर ढूंढ पाओ, बाकी किसी को भी आप कंपेरिजन तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कर सकते हैं, बट यू डू इट इन सच अ वे दैट आप डायरेक्टली आंसर, जैसे मेरा पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो उसमें से मुझे ए मिल जाएगा, टू माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए इज इक्वल टू टू, ठीक है, एंड ये सेकेंड एलिमेंट इसके साथ ये कंपेयर कर लो तो बी मिल जाएगा, एंड माइनस वन माइनस माइनस वन माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर बी इज इक्वल टू माइनस वन, इससे आपको बी मिल जाएगा. तो दिस वे ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू माइनस वन वी हैव कैलकुलेटेड विद दिस गिवन. बट ये इंपॉर्टेंट था, ये जो मैट्रिक्स एलजीब्रा का एक्सपांशन का ये जो यूज किया हमने यहाँ पे, कि आगे हमने थियरी में देखा है, अब यहाँ हमने उसको प्रॉब्लम में अप्लाई करके देखा कैसे काम में आता है, जिससे कि ये जो है हमको जो गिवन पार्ट था ये रिड्यूस हो गया, ये जो है ये पूरा हिस्सा ये रिड्यूस हो गया, और स्टूडेंट ये इस हिसाब से ही करना है, ध्यान रखना ये मैट्रिक्स एक्सपांशन जो किया है ए प्लस बी होल स्क्वायर उसको लागू करना है आपको विद दिस मेथड ओनली यू टू डू. क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड के इफ ए मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस 2i, ये भी आपको गिवन है, ये मैट्रिक्स भी आपको गिवन है, चलिए जैसा है वैसा आप आगे बढ़िए. गिवन मैट्रिक्स ए 3 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस 2i. अब देखो यहां आई का कोई स्पेसिफिकेशन बोला नहीं है, तो व्हेनेवर द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दिस आई वी हैव टू सी द ए मैट्रिक्स व्हिच इज गिवन ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2 एट द सेम ऑर्डर आई मैट्रिक्स वी हैव टू टेक. ओके सो
taking this given part, a square is equals to ka, scalar multiplication, minus 2i, ये भी scalar multiplication है, that is a into a is equals to k into a minus 2i. चलिए a into a, k into a, 2 into i, 3 minus 2, 4 minus 2, 3 minus 2, 4 minus 2, identity matrix 1, 0, 0, 1. ये दोनों का multiplication, first row with first column, 3 into 3, 9, plus minus 2 into 4, minus 8. And first row with second column, 3 into minus 2, minus 6, plus minus 2 into minus 2, plus 4. Now, second row with first column, 4 into 3, 12, plus minus 2 into 4, minus 8. Second row with second column, minus 8 plus minus 2 into minus 2 plus 4. This becomes 3k minus 2k, 4k minus 2k minus, this is 2, 0, 0, 2. Scalar multiplication है, this becomes 9 minus 8, 1, minus 6 plus 4, minus 2, 12 minus 8, and minus 8 plus 4, यहाँ ये दोनों matrix को आपको subtract करना है, so this 3k minus 2, 3k minus 2, minus 2k minus 0, that is minus 2k only, 4k minus 0, 4k only, and minus 2k minus 2, minus 2k minus 2. अब वापस वही चीज आ गई, यहाँ पर भी ऑर्डर 2 by 2 का है, ये मैट्रिक्स भी 2 by 2 का है, by equality of two matrices using equality of two matrices by comparing, we get. तो आप कोई भी comparison देख लो करके, you are going to get K. तो जो simply हो जाता है वो कोई भी आप लेके आगे बढ़ो, जैसे ये इसको मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं तो फटाफट आंसर मिल जाएगा, 4 is equals to 4k, therefore k is equals to 4 upon 4, therefore k is equals to 1. So this way we can have comparison of any corresponding elements so as to get k value. सभी केस में और आपको k का वैल्यू सेम ही मिलेगा, जो इजीली फटाफट हो जाता है वो मैं कंपेयर करके फाइंड कर लिया. क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड x एंड y. If this is the given situation, look at the question. This particular bracket, जो curly bracket करके दिया है, उसमें आपको पहले ये 4 ये matrix से multiply करके लिया हुआ है उन्होंने, उधर scalar multiplication,
वो जो आंसर आपका आएगा उसको इस नेक्स्ट मैट्रिक्स से माइनस करना है, वो पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा एंड दैट मैट्रिक्स यू हैव टू नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स एंड देन राइट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स के साथ कंपेयर कर लेना है. सो लेट अस स्टार्ट. गिवन 4 into matrix 2 minus 1 3 1 0 2 minus 3 minus 3 4 2 1 1 into 2 minus 1 1. This is a column matrix. Is equals to right hand side x y. This is also a column matrix. चलिए सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एंड गेट दिस मैट्रिक्स 8 माइनस 4 12 4 0 8 माइनस 3 minus 3 4 2 1 1 2 minus 1 1 ये as it is x y ये as it is. अब हम इसको पहले माइनस कर लेंगे दोनों मैट्रिक्स को. सो ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा 8 माइनस 3 माइनस 4 माइनस माइनस 3 माइनस 4 प्लस 3 12 माइनस 4 4 माइनस 2 0 माइनस 1 8 माइनस 1 अब देखो स्टूडेंट नेक्स्ट मैट्रिक्स जो इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना ये है ऑर्डर 2 बाई 3 और ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 बाई 1. तो ये पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है ना, दे आर सेम. सो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल. तो कौन से ऑर्डर का मुझे मैट्रिक्स मिलेगा 2 बाई 1 और जो मैट्रिक्स मुझे 2 बाई 1 का मिलेगा एज अ रिजल्ट राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है वो भी तो 2 बाई 1 का है, उससे वो क्या हो जाएगा कंपेयर. ठीक है. सो दिस मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम पहले फाइंड 2 10 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 प्लस 8 इंटू 1 8. ये पूरा एक एलिमेंट मिला. अब फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को करने के लिए सेकंड कॉलम है ही नहीं. नाउ सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम 22 4 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 प्लस 7 इंटू 1 7. तो ये देखो जो मुझे मैट्रिक्स मिला ये 2 बाय 1 का मिला है. राइट हैंड साइड आल्सो वी हैव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 1. सो एज वी कैन now have comparison and therefore this matrix will be 10 plus 1 plus 8 this is 19 and 4 plus and 5 plus 7 12 and it is equals to x y. So using equality of two matrices by comparing we get x is equals to 19 and y is equals to 12. So this type of questions board are asking frequently. Properly you do practice. Coming to the
क्वेश्चन नंबर 14 विच इज ऑफ सेम टाइप, खाली आप देखेंगे तो मैट्रिक्स के ऑर्डर्स शफल किए हुए हैं और पूरा हिसाब सेम है। हाँ, और एक बात, इसमें जेड तीसरा अननोन भी आपको ढूंढना है। सो लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन टू बी डन इन द सेम मैनर, आपको जो गिवन है उसके आधार पे दिस इज 3 इंटू मैट्रिक्स 2 0 0 2 2 2 माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 1 2 3 1 और उसके बाद ब्रैकेट के बाद ये मैट्रिक्स है 1 2 कॉलम मैट्रिक्स एंड लास्ट में राइट हैंड साइड में भी कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ ध्यान रखना कि एक्चुअली दे सपोज टू हैव ब्रैकेट हियर x माइनस 3 एक ही एलिमेंट है पूरा, सो दिस विल बी x माइनस 3 y माइनस 1 2 z, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो पहले तो ये दोनों यहाँ ब्रैकेट पहले सॉल्व हो, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन है दोनों के लिए वो सॉल्व कीजिए। तो दिस मैट्रिक्स विल बी 6 0 0 6 6 6 माइनस 4 4 माइनस 4 8 12 4 these are as it is। ओके, ना पहले ब्रैकेट होना है सॉल्व, तो ये सेपरेट करना है पहले, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं इसलिए सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। 6 माइनस 4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 0 माइनस 4, 0 माइनस माइनस 4, 0 प्लस 4 विल बी 4, 6 माइनस 8 माइनस 2, 6 माइनस 12 माइनस 6, 6 माइनस 4 2, मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स। Okay, so now these two matrices we have to multiply. So the pehla matrix hai, wo kya order ka hai? Okay, 3 by 2. And the dusra matrix hai, wo kaun sa order ka hai? 2 by 1. So pehla matrix ka column aur dusra matrix ka row same hai. So multiplication possible hai. And multiplication will be in the order of this 3 by 1. ठीक है, और राइट हैंड साइड में भी ये जो मैट्रिक्स अवेलेबल है वो 3 by 1 है ऑर्डर का, इसलिए कंपेयर हो जाएगा फाइनली। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप फाइंड आउट करें, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में तो एक ही कॉलम है। चलिए 2 into 1 2 प्लस माइनस 4 into 2 माइनस 8। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 4 into 1 4 प्लस माइनस 2 into 2 माइनस 4 एंड थर्ड रो विथ फर्स्ट कॉलम माइनस 6 प्लस 4। ओके, दिस इज ऑफ 3 by 1, you can confirm right hand side as it is, x minus 3 y minus 1 and 2 z. Okay, this is also 3 by 1. Now this should be concluded 2 minus 8
minus 6. 4 minus 4, this is 0. And minus 6 plus 4 minus 2. Right hand side, x minus 3, y minus 1, and 2z. So using equality of two matrices by comparing, we get the minus 6 is equals to x minus 3. Therefore, x is equals to minus 6 plus 3. Therefore, x is equals to minus 3. दूसरा एलिमेंट आप कंपेयर करेंगे, 0 इज इक्वल्स टू y माइनस 1, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1. और तीसरा एलिमेंट आप कंपेयर करेंगे, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2z, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2, दैट इज माइनस 1. सो यू गेट x, y एंड z. तो दोनों क्वेश्चन, इसका प्रीवियस क्वेश्चन और ये दोनों मोर और लेस सिमिलर था, खाली यहाँ एक एक्स्ट्रा जेड वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स, दिस आप ये सब क्वेश्चन मैंने जो बताया वो जो बोर्ड में काफी रिकरेंटली पूछते हैं, प्रैक्टिस प्रॉपरली. ओके फ्रेंड्स, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5th. This is word problem, students. आगे भी ऐसे word problem के type के questions हमने देखे हैं, लेकिन अब जो भी information हमारे सामने है उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि यहाँ कौन से तरीके से हमें इसको simplify करना है. See, word problem में आपको करना क्या है उसके आधार पे मैट्रिक्स एलजीब्रा क्या यूज करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू डिसाइड. सी व्हाट इज द क्वेश्चन. जय एंड राम आर टू फ्रेंड्स. जय वांट्स टू बाय 4 पेन्स एंड 8 नोटबुक्स. देखिए अभी सॉल्यूशन में पहले गिवन इंफॉर्मेशन रफली पहले लिख लेते हैं. तो के जय रिक्वायर्स 4 पेन्स एंड नोटबुक 8 नोटबुक. एंड राम वॉन्ट्स टू बाय 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स. Okay, students, the price of one pen, ये रहा pen का price per unit. इसका मतलब एक pen का price जो है, and one notebook was rupees 6 and rupees 10. This is the information available. अब स्टूडेंट्स, ऐसे नॉर्मल कोई भी इंफॉर्मेशन को हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अभी पूछा क्या है, फाइंड क्या करना है. यू फाइंड द अमाउंट ईच वन रिक्वायर्स टू बाय द पेन एंड नोटबुक्स. मतलब कि जय का और राम का दोनों को कितना पैसा चाहिए ये चीज खरीदना है उनको उसके लिए. तो वी नीड टू फाइंड टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज
given quantity of product by both. We need to find the total amount required to purchase given quantity of product by both. मतलब कि राम को और जय को दोनों को ये पेन और नोटबुक खरीदने हैं उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से, और एक क्वांटिटी एक यूनिट बोलो उसका अपने को प्राइस दिया हुआ है, तो टोटल उसकी स्पेंडिंग उसको खर्च कितना होगा, दैट यू टू फाइंड. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग फर्स्ट अवर कैलकुलेशन इन विच वी परफॉर्म अवर कैलकुलेशन फॉर जय. सो वी आर मेकिंग a separate calculation for first J. अब देखो जितना भी खर्च करना है, अभी समझ लेना मैं बेसिक बात बता देता हूं, क्योंकि जय को चार पेन खरीदनी है और एक पेन का कीमत 6 रुपया है, तो जय का ऐसे नॉर्मल कैलकुलेशन क्या हो जाएगा जो आप ओरली भी निकाल लो, तो के 4 पेन मल्टीप्लाई बाय 6 ये पेन की प्राइस हो गई उसकी टोटल, और 8 नोटबुक खरीदनी है और एक नोटबुक का कीमत है 10 रुपया, तो उसका टोटल उसका स्पेंडिंग कितना हो जाएगा, 24 प्लस 80 दैट कम्स टू 104 रुपीज. ये तो ऐसे ही निकल गया. तो हमने किया क्या, तो क्वांटिटी जितनी खरीदनी है उसको उसके पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया. तो क्वांटिटी का एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं, क्वांटिटी मैट्रिक्स, और प्राइस का एक मैट्रिक्स बनाते हैं. तो हमको टोटल एक्सपेंडिचर का मैट्रिक्स मिलना चाहिए. दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस विल गेट टोटल एक्सपेंडिचर. तो क्वांटिटी का मैट्रिक्स कैसे बनाएं, because now we have to use a matrix using matrix multiplication, that is we are in the chapter matrix and we have to perform this calculation with the help of matrix, which we call it as matrix algebra. So quantity matrix, to ke do cheez hai uski quantity ke hisab se, bas jay ki baat kar rahe hain abhi hum. जय के लिए दो क्वांटिटी जो है पेन की और नोटबुक की ये है, तो हम इसका मैट्रिक्स 4-8 रो मैट्रिक्स बना सकते हैं, रो मैट्रिक्स बना सकते हैं. तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/2. सपोज अभी प्राइस का जो मैट्रिक्स है उसका हम कॉलम मैट्रिक्स के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करते हैं. तो प्राइस मैट्रिक्स क्या है, 6 and 10, जो पहले लिखा है वो पहले लिखना, मतलब वी आर राइटिंग फॉर फर्स्ट पेन, देन प्लीज राइट एलिमेंट फॉर फर्स्ट पेन ओनली, देन फॉर नोटबुक. ऑर्डर सीक्वेंस का जो है वो याद ध्यान में रखना जो हम ऑर्डर में लिख रहे हैं. तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1. अब आप सोच लीजिए इसका कॉलम और इसका रो सेम है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लीकेशन क्या ऑर्डर में आएगा, 1/1, एंड दैट इज द टोटल एक्सपेंडिचर मैट्रिक्स वी आर गोइंग टू हैव एज रुपीज एक्स. वी से दैट इज जय को रुपीज एक्स लगेगा. तो क्या हम अजम्पशन ले लेते हैं, लेट क्वांटिटी मैट्रिक्स of order 1/2 and price matrix of order 2/1, so that total expenditure matrix
can be obtained of order 1 by 1, which is assumed as X. So अब हम इसको परफॉर्म करेंगे. फोर एट एंड सिक्स टेन एक्स. दिस वी आर गोइंग फॉर जेएस कैलकुलेशन. फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, एक ही रो है, एक ही कॉलम है. चालू करिए. सिक्स इंटू फोर 24 plus 8 into 10, 80 is equals to x. Therefore, this is 104 is equals to x. So, therefore, x is equals to 104. So, by equality of two matrices, hence J will have to spend ₹104 to purchase 4 pens and 8 notebooks. आप सिमिलरली राम के लिए कैलकुलेशन करेंगे. सो आई एम गिविंग हेडिंग नंबर सेकेंड फॉर राम. अगेन आई एम गोइंग टू बिगिन विद दिस नोट. ऐसे आप ये पहले प्रिपेयर करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेटमेंट पहले लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने तो इसलिए आपको ये समझाने के लिए पहले लिखा है, अदरवाइज यू कैन अज्यूम दिस स्टेटमेंट फर्स्ट. तो यहां पे भी हम क्वांटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 2, दैट इज रो मैट्रिक्स. अब इसका क्या बनेगा, जैसे हमने देखो जय के लिए लिया था 4 8, क्वांटिटी के लिए राम के लिए 5 12. मैं यहां शो भी कर रहा हूं प्राइस मैट्रिक्स वो सेम रहेगा कॉमन, क्योंकि प्राइस तो वही है 6 10, दैट इज टू बी अज्यूम्ड इन ऑफ ऑर्डर 2 by 1, दैट इज 6 10. ओके एंड 1 by 1 मैट्रिक्स अज्यूम कर देते हैं. रिक्वायर्ड टोटल अमाउंट टू बी स्पेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1 बी वाई. ठीक है. सो क्वांटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय रेट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर मैट्रिक्स. क्वांटिटी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स अज्यूम किया है, रेट मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स अज्यूम किया है, और ये वाई अज्यूम किया है 1 by 1. एंड क्वांटिटी मैट्रिक्स राम का जो बना है दैट इज 5 12, दिस इज 6 10. अब ये है आपका 1 by 2, ये है आपका 2 by 1. सेम वही हो गया जैसे जय का हुआ था. इसका कॉलम इसका रो सेम है, सो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल एंड ऑर्डर वी विल जनरेट एज 1 by 1. सो दिस विल बी 30 प्लस फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम ओनली 120, दैट इज वाई, एंड दिस इज नथिंग बट 150 इज इक्वल्स टू वाई बाय इक्वालिटी ऑफ
two matrices by comparing we get y is equals to 150. Hence, अब जैसे यहाँ स्टेटमेंट हमने लिखा था जय के लिए राम विल हैव टू स्पेंड रुपीज, हैंस राम विल हैव टू स्पेंड रुपीज 150 टू परचेज. देखो उसको क्या क्वांटिटी लगा हुआ है, 5 पेंस एंड 12 नोटबुक्स, 5 पेंस एंड 12 नोटबुक्स. सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एलजेब्रा. इट इज नथिंग बट जस्ट अ ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन विद दैट क्वांटिटी एंड रेट वी ऑब्टेन द टोटल स्पेंडिंग ऑफ ईच पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट व्हाट दे हैव गिवन एंड द रेट in which they have to purchase. So this is just a kind of matrix presentation, and with the help of matrices we are dealing this type of questions. Students properly ye jara samajh ke ye table jo hai summary tha pura. Maine side mein aapko ek general tarika bhi bataya ki kaise hum karne wale, uske aadhar pe maine matrix banaya. Abhi dekh lijiye students, ye maine quantity matrix ek aapke dimag mein question raise kar raha hu main, और आप भी उसको समझेंगे तो आपको भी आसान लगेगा कि ये मैंने जानबूझ के यहाँ क्या क्वांटिटी का मैट्रिक्स ही रो मैट्रिक्स ही क्यों 1/2 का ही क्यों अज्यूम किया, दूसरा प्राइस का मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स 2/1 का ही क्यों अज्यूम हुआ है. ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में मेरे को 1/1 का मैट्रिक्स का हिसाब ऑटोमेटिकली जो है इसके मल्टीप्लीकेशन से कंपेयर करके मिलने वाला है. सो ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर ही अज्यूम होना चाहिए, दैट इज व्हाट वेरी मच इम्पोर्टेंट. बाकी मैट्रिक्स आप अज्यूम करने में दूसरे भी कोई ऑर्डर से आप कर पाओ, लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर हैविंग मल्टीप्लीकेशन यू सपोज टू गेट 1/1, क्या वो मिल सकता है रिजल्ट, दैट इज ऑल्सो टू बी सीन. सो कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स अज्यूम कर देंगे दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. यू हैव टू अज्यूम दिस मैट्रिक्स इन सच ए वे दैट रिजल्टिंग मैट्रिक्स मस्ट बी फाइनली कंपेरेबल in a particular single value, that is x, and here the y in this Ram's case we have assumed. Okay friends, so these are the questions you must practice, and all other theory lectures before this also very much important. You revise and repeat the solved example given in the textbook. Thank you friends.